गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज बास्केट में एक बार फिर वेलकम करती हूं और आ गई हूं मैं ठीक होकर वापस अपने काम पर। उम्मीद करती हूं फ्रेंड्स कि आप लोग भी सब ठीक होंगे और हम भी आपकी दुआओं से अब एकदम बिल्कुल ठीक हूं। और मैंने बहुत सोचा जब मैं बीमार थी, इस बार मैं बहुत जबरदस्त बीमार पड़ी, बाय द वे फूड पॉइजन बहुत जबरदस्त हो गया था। एक्चुअली फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ, मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है, गॉल ब्लैडर मेरा 2008 में निकाल दिया गया था क्योंकि मैं उसमें स्टोन्स थे, तो इसलिए मुझे ना बहुत कम खाना डाइजेस्ट होता है और कभी मैं कुछ गलत खा लेती हूँ तो वो इफेक्ट पड़ता है मेरे को। तो इस बार मेरे से गलती हो गई, लेकिन अभी मैं वैसे मैं बहुत ध्यान से खाना खाती हूँ और लेकिन कोई बात नहीं, ये भी समय था जो बीत गया और फिर से मैं आ गई हूँ। आज मैंने सुबह सुबह दो शॉर्ट्स भी डाले हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपने देखा होगा। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं जबरदस्त मुझे सपोर्ट करें, और क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ मेरे 7,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो मैं थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी करूँ अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले यही मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ठीक ठाक रखो ऊपर वाले हमको सबको। तो आज है सबसे पहले आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आज कायदे में राखी का त्यौहार है, और कायदा अगर देखा जाए तो बहनों की कमाई का दिन होता है आज के दिन। तो सभी भाई लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक, और सब बहन भाई बहनों को भी बहुत बहुत मुबारक। ये दिन बहुत खूबसूरत है। अभी मेरी बेटी एक्चुअली इंडिया में नहीं है, तो उसने कुछ राखी वाखी भेजी है, मैं दिखाऊंगी। अभी मेरा बेटा तैयार हो रहा है तो उसको पता नहीं है, तो अब हम उसका राखी का त्यौहार भी थोड़ा बहुत मनाएंगे जैसा भी करेंगे। तो अभी मैं ही बांधूंगी उसको, क्योंकि उसने कहा मम्मा मेरे बदले आप बांध देना, तो मैं ही मानूंगी। तो फिर चलते हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, बहुत दिन हो गए मैं बाहर निकली नहीं। मेरे हस्बैंड तो इतना बोर हो गए, बोले तुमने बिल्कुल इस बार बोर कर दिया। सच में मैंने बोर कर दिया। कीवी का भी मैं दिखाऊंगी आपको, मैं एक क्लिप डालती हूँ क्योंकि मैं दोपहर में सो रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी टायर्ड होकर सो रहे हैं दोपहर में, और वो देखो मेरे ऊपर पड़ी है। जब मैं बीमार थी तो कीवी ने खाना पीना सब छोड़ रखा था, उसके बाद जब मैंने अपने हाथ से खाना दिया तब उसने खाना खाया। शी इज वेरी अटैच्ड विद मी, और मैं भी उसके साथ बहुत अटैच्ड हूँ, मुझे भी बहुत, शी इज वेरी प्रेशियस फॉर मी। तो सुबह से उठ के मैं उसके उसमें लग जाती हूँ, तो वो इतनी कंफ्यूज थी कि क्या हो रहा है, घर में ये खामोश है, किचन में नहीं जा रही है। मेरे हस्बैंड कह रहे ये चक्कर में है कि मम्मा किचन में अपना वो कैमरा वैमरा से काम क्यों नहीं कर रही है। तो बस ऐसे ही दिन निकल गए, पर इस बार बहुत लंबा, लास्ट फ्राइडे, तो समझो अभी मैं पूरे 12-13 दिन के बाद अभी मैं ठीक हुई हूँ, और अभी मैं आई हूँ अपने काम पर, लौटी हूँ, क्योंकि ये मेरा जॉब है तो मैं इसको जॉब की तरह ही समझती हूँ, काम है मेरा। तो अब मैं लौट गई हूँ, और आज का दिन जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, और ब्लॉग में बने रहें। जो लोग नए हैं मेरे ब्लॉग में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगर ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। क्या कर रहे हो सैम? मैं अपने जूलेट पहन रहा हूँ। ओके, और ये कर रही है अपने खाने का वेट। मैं इसका खाना गरम कर रही हूँ। कीवो इधर मेरे पीछे पीछे आइए पहले। भाई ये क्या हो? क्यूटी ने तुम्हारे लिए राखी भेजी है और ये केक भेजा है, बाकी वो चावल चुबल वो तो हमारे काम के नहीं थे। अब केक काटो और मैं तुम्हारे को राखी बांधू उसकी तरफ से। लाओ मैं पहले तुम्हें खिला दू। नाइस। एक मिनट मैं नैपकिन ले लू। बहुत अच्छा केक आता है यहाँ से। Very nice. Thank you. Thank you to Cutie. Okay. Thank you. God bless you. पैसे नहीं दिए क्यूटी को? जब वो आएगी तब देंगे ना पैसे, ऐसे थोड़ी ना। यहाँ पर की भी खाना खा रही है। अभी मैंने इसे खाना दिया है क्योंकि हम लोग बाहर जा रहे हैं,
तो इसलिए इसको खाना खिला कर जा रहे हैं ताकि आराम से सो सके। तो इस तरह हम आ गए एम्बियंस मॉल। एम्बियंस मॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे मॉल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जाना। बहुत दिनों के बाद हम आए थे और लोगों का आना जाना भी काफ़ी मतलब शुरू हो गया है। पार्किंग भी बड़ी मुश्किल से मिली, बहुत देर तक हम लोग पार्किंग के लिए ट्राई करते रहे। और एम्बियंस मॉल आप देख सकते हैं बहुत लंबा मॉल है यार, थक भी जाते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक घर में बैठे हुए थे ना, इसलिए आज बहुत अच्छा लगा। मज़ेदार मौसम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे और मैं अभी उठी हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा लेट उठना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, वाह मज़ा आ गया, बारिश। सुबह को, और ये मेरी कीवी मुझे कहाँ से देख रही है, इसका पूरा ध्यान मेरी तरफ रहता है। सुबह अभी आती हूँ मैं, इसका सुबह मुँह धोती हूँ ना, मुँह पोछती हूँ तो क्लीन करती हूँ, तो उस बस वो इंतज़ार कर रही है, अभी आती हूँ बेटा। वाह मज़ा आ गया आज के मौसम का नज़ारा, बारिश में ये डंगाल पेड़ की नीचे हो गई है। वाह चलिए अब चलते हैं अंदर और गरम गरम चाय पीते हैं। गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है? एकदम फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास हो गई है तबीयत तो, कुछ फर्स्ट क्लास खाना खिला दे आज। अरे वाह क्या खाना है बताओ। तू कुछ अच्छा बना जी, क्या जैसे जैसे आप बताओ। मटन लाए थे ना? हाँ मटन लाए थे। तो मटन बना दे, पक्की बात है। हाँ लेकिन जैसे मैं कूपन से देने वैसे हूँ ना। कौन से जैसे बताओ? ग्रेवी वाला मटन। अच्छा आपको ग्रेवी वाला चाहिए और वो साहब को चाहिए सूखा। चलो ठीक है, आज मैं एकदम परफेक्टली ऑल राइट हूँ, मैं दोनों का बना दूंगी। आज मौसम भी अच्छा है और साथ में पराठा बना दे, नहीं तो चावल बना दे। चावल जीरा राइस बनाऊं या प्लेन राइस? आपको हमेशा प्लेन राइस पसंद है। व्हाट यू आर रिव्यू लाइक? श्योर चलो ठीक है, तो आज आपकी दावत कर देते हैं। मौसम फ्रेंड्स बहुत ही मजेदार हो रहा है और मजा आ रहा है मुझे, मौसम देखकर तो मजा आ रहा है। तो मैं फटाफट नहाने से पहले आपकी करी बना देती हूँ, राइस चढ़ा देती हूँ और जो रोटी है पराठा जो भी बनाना है वो नहाकर आने के बाद बनाऊंगी। चलेगा? ओके चलो ओके। हाँ जी हो गया खाना, हो गया मेरा। यस ये देखो मैंने बनाया है मटन करी। अच्छा सुबह जो बोला था। यस आपके आलू भी डाल दिए इसके अंदर। और ये बनाया रोनी का भुना हुआ मटन। ओके और ये बनाया व्हाइट राइस। ओके जीरा राइस नहीं क्योंकि आपको व्हाइट अच्छा लगता है। ये प्याज काटी है क्योंकि खीरा वगैरह कुछ भी नहीं है सलाद का। और बना रही हूँ मैं रोटी। ओके और बस उसके बाद खाना खाएंगे। आप फटाफट प्लेट्स लगाओ और मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है ओके। तो फ्रेंड्स ये कल का ही व्लॉग है जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आज पूरे 12 दिन के बाद घर में खाना बना है और वो भी सैम की फरमाइश का। तो कैसा लगा? बहुत टेस्टी। अच्छा तो फ्रेंड्स आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए, बहुत जोर की भूख लगी है। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है और उसमें मैंने ये मटन करी बनाई है। सैम मुझे बोल रहे थे कि करीम की रोटी मंगा लेते हैं पर वो बहुत हैवी हो जाती है, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं आज पूरा घर का ही खाना बनाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। तो सबसे पहले हमने अपनी कीवी को खाना दिया और फिर अब हम दोनों खाना खाने बैठे हैं, मिलते हैं लंच करने के बाद। हाय फ्रेंड्स तो हमने लंच कर लिया है, लंच बहुत ही मजेदार था, आज पेट भर के खाना खाया और मैंने सोचा अब मैं बैठती हूँ अपना काम करने के लिए। दोपहर के बज गए हैं, 2:02 हुए हैं और अब मैं बैठ रही हूँ अपने khal.com का काम करने के लिए। YouTube का तो मैंने एडिट करके डाल दिया है, शॉर्ट्स भी अपना, और अब मैं इस ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और पसंद आए तो फ्रेंड्स इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देख सकें और मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके साथ मैं अपने ब्लॉग्स डाल सकूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे 7,000 सब्सक्राइबर हो जाएं
ताकि मैं एक अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन कर सकूं, और एक सरप्राइज है जो मैं बहुत जल्द आपको देने वाली हूं, तो इंतज़ार कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।